ब्रह्मपुरी के शासकीय विश्राम गृह में ब्रह्मपुरी सावली और सिंधेवाही नगर परिषद क्षेत्र के पट्टे देने संदर्भ में आयोजित बैठक में पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जायजा लिया। ब्रह्मपुरी के शासकीय विश्राम गृह में ब्रह्मपुरी सावली और सिंधेवाही नगर परिषद क्षेत्र के पट्टे देने संदर्भ में जायजा बैठक ली गई। इसमें पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार इनके साथ विधायक अभिजीत वंजारी, ब्रह्मपुरी की नगराध्यक्षा रीता उराडे, जिलाधिकारी अजय गुल्हाने, जिला परिषद सदस्य स्मिता पारधी, ब्रह्मपुरी के तहसीलदार विजय पवार, सिंधेवाही के तहसीलदार गणेश जगदाड़े, नगर परिषद मुख्याधिकारी मंगेश वासेकर आदि उपस्थित थे। नगर परिषद क्षेत्र के अतिक्रमण धारकों को नगर पालिका ने जल्द सर्वे करे ऐसे आदेश देकर पालक मंत्री ने कहा वन विभाग की जगह यहां से कम की जाए। जिनकी और घर है लेकिन पट्टे नहीं ऐसे नागरिकों को जल्द कायम स्वरूपी पट्टों का लाभ दिया जाए। नगर परिषद क्षेत्र में 500 फीट तक निशुल्क जगह और 500 से 1000 फीट तक रेडी रेकरण के 10% रकम भरने की तरतूद है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के निकाल के मुताबिक 12 वर्ष पूर्व का अतिक्रमण निकाला नहीं जा सकता। पालक मंत्री ने आगे कहा तहसील कार्यालय भूमि अभिलेख व नगर पालिका ने समन्वय से काम करे, साथ ही भूमि अभिलेख विभाग ने एक महीने में गिनती करे, ऐसी सूचना पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी। इस समय सिंधेवाही, सावली और ब्रह्मपुरी के तहसीलदार, नगर पालिका मुख्याधिकारी आदि उपस्थित थे। इस समय ब्रह्मपुरी, सिंधेवाही और सावली तहसील के रास्तों का जायजा लिया गया। बैठक में ब्रह्मपुरी वन विभाग के उप वन संरक्षक टिपेश मल्होत्रा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग की अधीक्षक अभियंता सुषमा साखरवाड़े, कार्यकारी अभियंता हेमंत कोठारी आदि उपस्थित थे। इतर मागास प्रवर्ग के 500 विद्यार्थियों के लिए स्वाधार योजना शुरू करने संबंध पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जायजा बैठक ली। इस बैठक में समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त अमोल यावलीकर उपस्थित थे।